नमस्कार, द लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंडिया देश का एक अकेली ऐसी सोसाइटी है जो देश के विभिन्न हिस्सों में साहित्य के सरोकारों को लेकर जाएगी। आप जुड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपके मन में कुछ शंकाएं होंगी, कुछ सवाल होंगे, कुछ आशंकाएं होंगी। मुझे जो लगता है स्वाभाविक रूप से कि आप अपने शहर में, अपने समाज में इसको कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, उसमें जो भी प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसको अपनाते हुए करना क्या है। आप जो हैं व्यक्ति, पहली शर्त है कि आपके भीतर साहित्य की गर्मी होनी चाहिए, साहित्य की थोड़ी समझ और प्यार होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप कविता लिखते हो, कहानी लिखते हो, लेकिन साहित्य को समझते हो। आप चाहते हो कि आपके शहर में कवि सम्मेलन हो, मुशायरे हो, विचार गोष्ठी हो, पुस्तक प्रदर्शनी हो, कार्यशाला हो, साहित्य से रिलेटेड कोई भी गतिविधि हो, तो उसमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं। इस सोसाइटी अखिल भारतीय स्तर पर आपकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है, तत्पर है। आपको अपनी मानसिकता के कुछ मित्रों को इकट्ठा करना है, उन मित्रों को इस सोसाइटी का एक अंग बनाना है, और उसके बाद आपके शहर में आपकी ब्रांच के रूप में, चैप्टर के रूप में, द लिटरेचर सोसाइटी ऑफ आपके शहर का नाम, उसकी एक संस्था आपके शहर पर हो जाएगी। आप साहित्य पर सारे कार्यक्रम करने के लिए प्राधिकृत हो जाएंगे। आप हमारी सोसाइटी की ओर से, इस लिटरेचर सोसाइटी की ओर से, वहाँ के स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि होंगे। आपकी आवाज हमारी आवाज होगी, आपका मिशन हमारा मिशन होगा, हमारा मिशन आपका मिशन होगा। हम आपके लिए आर्टिस्ट के रूप में, कवि के रूप में, शायर के रूप में, लेखकों के रूप में लोगों को प्रदत्त कराएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या के लेखक, कवि, शायर हमारे सदस्य हैं, कुछ मानद सदस्य हैं, कुछ आमंत्रित सदस्य हैं। हम उन सब के साथ आपका सानिध्य कराएंगे। प्रारंभिक रूप से आप निजी रूप से जुड़ना चाहते हैं तो लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य बने, क्योंकि जो कार्यक्रम लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑलरेडी कर रही है, अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल, आनंदम के जस्ट हासम गीत गुलजार, उसमें आप आमंत्रित रहेंगे, और आपकी सेवाओं के साथ, आपके सौजन्य से, विचार विमर्श से हम इसे समृद्ध करेंगे। बस आप एक बार जुड़कर देखिए और अपने जैसे लोगों को इसके जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। दूसरा प्रकल्प हो सकता है नए लोग, नए बच्चे। बहुत बड़ा वर्ग है फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर देखते हैं, बहुत से बच्चे कविता कहानी लिखते हैं, उन्हें मंच नहीं मिलता। स्वाभाविक है वे मंच के लिए कहीं ना कहीं अपेक्षा करते हैं, बड़ों का सानिध्य, स्थापित कवि कलाकारों के साथ उनका संवाद बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम ओपन माइक जैसी व्यवस्था हर शहर में, यथासंभव शहरों में जहां आप लोग जुड़कर जाएंगे वहां करेंगे। कुछ नई ऊर्जा आएंगे, नए लोग आएंगे, उसमें से हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कुछ तीन या चार बच्चे सेलेक्ट करेंगे, अखिल भारतीय स्तर पर कोई प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, उसमें से जो विजयी विजेता होंगे उनका, उनको लेकर कवि सम्मेलन, मुशायरा या काव्य गोष्ठी या कथा प्रदर्शन कुछ करेंगे। कुल मिलाकर उनमें से टैलेंट हंट करके हम रास्ते की मुख्य धारा में उनको जोड़ देंगे। रास्ते की मुख्य धारा में आने के बाद निश्चित रूप से उन्हें एक नया आसमान मिलेगा, नए पंख मिलेंगे, और उस पंखों के साथ उड़ान भरेंगे। आप उस उड़ान के वाहक बन सकते हैं, आप उस उड़ान के कारक बन सकते हैं। तो लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंडिया ये काम करने जा रही है। लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा मिशन है कहीं किताबों से होती दूरी, जो समाज में हम इन दिनों देख रहे हैं। हमारे जो लेखक, हमारे से जुड़े हुए जो लेखक हैं, आप अगर कोई किताब लिखते हैं, आपके पास कोई पुस्तक है, तो हम पुस्तकों के प्रसार के लिए भी एक व्यवस्था करेंगे जो आपके माध्यम से होगी। अगर आप हमारे सदस्य बनते हैं, आप हमारे जुड़ते हैं, तो आप हमारा सरोकार एक है। हम उन पुस्तकों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, अच्छे विचार। एक और, द लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंडिया क्यों जरूरी है, इस बात को जानना आपके लिए जरूरी है। न्यू देश भर में अनेकों अनेक संस्थाएं हैं जो अपनी रुचि के हिसाब से, अपने उद्देश्यों के हिसाब से कार्य कर रही हैं, लेकिन लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंडिया की जरूरत कहां होती है? बाजार की चकाचौंध में कहीं शब्दों की चमक फीकी पड़ती जा रही है, कहीं हमारे पास जो सामग्री सोशल मीडिया या हवाओं के माध्यम से आती है वो कितनी वाजिब है, कितनी जुनाइन है, कितनी न्यायोचित है, हमें पता ही नहीं चलता। आपके पास सही सूचना हो, आपके पास सही सामग्री हो, आपके पास सही साहित्य हो, तभी एक सही विचार,
विकसित होता है और सही विचार से एक सही समाज बनता है, उस समाज के निर्माण में आपका योगदान इससे जुड़कर इन तरीकों से, इन प्रकल्पों से होता है। या आप युवाओं को साथ लाते हैं तो भी, आप खुद अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ जुड़ते हैं तो भी, आप अपने शहर में एक समूह बनाते हैं तो भी, आप अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल या ऐसे फेस्टिवल अपने शहरों में करते हैं उसके माध्यम से भी अनेकानेक प्रकल्प हमारे बीच हैं। आपकी शंकाओं का जवाब देने के लिए हम बीच बीच में आपके पास आते रहेंगे। एक बार पुनः द लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में आपको आमंत्रित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि आप मेरी परिवार का अंग बनने जा रहे हैं। इस्तकबाल करते हुए स्वागत करता हूँ द लिटरेचर सोसाइटी ऑफ।